कांग्रेस को फायदा मिलेगा उसको नुकसान होगा। मैं समझता हूँ सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ये बात आप दूसरी पार्टी जाकर पूछे, मैंने तो प्रयास किए नहीं। आप लड़ रहे हैं, आप कहते हैं बड़ा भाई अकेले मेरा, मैं उस दल के साथ जाना चाहता हूँ जो भाजपा को हरा दे। अब तो मैं अपनी पार्टी को ताकतवर बना रहा हूँ और अपने साथियों को जोड़ के हम विकल्प बनाएंगे, क्योंकि जिन नेताओं को आज जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं, उनकी 5-5 साल सरकारें रही, आपने देखा उन्होंने क्या किया। अगर सबसे ज्यादा दलितों को नुकसान किसी सरकार में हुआ तो वो अखिलेश जी की सरकार थी, ये मुझे और आपको अच्छी तरह से पता है। चंद्रशेखर जी, मैं अनमोल TV9 से, और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद है, क्या मोटिव है उसके पीछे, और क्यों आपने उसी सीट को चुना? देखिए, मैं समझता हूँ पार्टी का आदेश है और पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। मैं भी पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के आदेश का निरादर नहीं कर सकता हूँ, और जो पार्टी ने आदेश दिया वो सोच समझ के दिया होगा। मैं समझता हूँ कि अगर विपक्ष ये समझती है कि मैं कमजोर उम्मीदवार हूँ तो वो खुद उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और वो नहीं उतरते तो मैं मजबूती से अपना चुनाव लड़ूंगा। मैं तो चाहता हूँ अखिलेश जी लड़े, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है विपक्ष का नेता जो समझता है कि वो ताकतवर है वो जाके लड़े, या फिर हमें भरोसा है कि हमने 5 साल भी उनके खिलाफ लड़ा और आगे भी लड़ा। बसपा का विकल्प के तौर पर रूप में आप उभरते हैं? मैं समझता हूँ कि बसपा से आगे बढ़ के हम बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में इसके परिणाम जो है आपको धरातल पर दिखाई देंगे, क्योंकि वोट तो जनता को देनी है और जनता ने सभी को देखा है, कोई ऐसी सरकार नहीं जिसको ना देखा। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे? यूपी में बहुसंख्यक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ छोटी छोटी पार्टियों को जो हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहती है उनको भी तैयार किया है, हम अपना मैनिफेस्टो भी आज जारी करेंगे और हम विकल्प बनेंगे, क्योंकि हमने काम किया है और जनता हमें अवसर देगी, क्योंकि हमने जब 5 साल में कभी जनता को निराश नहीं किया तो जनता हमें निराश नहीं करेगी। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा जो यूपी के वोटर आपकी तरफ आकर्षित हो? देखिए, मैं समझता हूँ हमने बहुजन समाज के सभी वर्गों के हितों को उसमें जोड़ा है, और मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि सबसे ज्यादा परेशानी हो रही आम आदमी, क्योंकि वो सेस भी देता है, रोड टैक्स भी देता है, और फिर वो टोल टैक्स भी देता है। तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में एक लाइन बताता है कि हम टोल टैक्स जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री करेंगे, जिससे आम जनता को महंगाई की कुछ जो है मार जो पड़ रही है वो कम हो, और एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो सस्ते करेंगे। जो बुनियादी मुद्दे जिनसे आम जनता प्रभावित होगी हम उन पर काम करेंगे। जी, मैं पूरा मैनिफेस्टो जारी करूँगा, उसमें आप देखिएगा, उसमें सब चीज़ें। धन्यवाद।